हेलो एवरीवन, वेलकम टू सेशन। सो आज हम लोग कैट 2018 का टाइम स्पीड डिस्टेंस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 5 और 6 क्वेश्चन आए थे और बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड टाइप्स ऑफ क्वेश्चन आए थे 2018 में। ठीक है, तो चलो देखते हैं, सॉल्व करते हैं। और एक रिक्वेस्ट है गाइस, अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। पहला क्वेश्चन है, रीड करते हैं। पॉइंट ए पी क्यू एंड बी लाई इन द सेम लाइन सच दैट पी क्यू बी आर रिस्पेक्टिवली। ओके, पी क्यू बी आर रिस्पेक्टिवली ओके 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर एंड 300 किलोमीटर अवे फ्रॉम ए। ओके, कार वन एंड टू लीव्स ए एट सेम टाइम एंड मूव टुवर्ड्स बी। साइमल्टेनियसली कार थ्री लीव्स बी एंड मूव टुवर्ड्स ए। कार थ्री मीट्स कार ए एट Q and car 2 at P. If each car is moving in uniform speed, then the ratio of speed of car 2 to that of car A. ठीक है, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड टाइप्स ऑफ क्वेश्चन है, सॉल्व करते हैं। सबसे पहले पीएचडी में बस एक बात ध्यान रखना कि जो क्वेश्चन बोल रहा है ना उसको एक लाइन डायग्राम पे ड्रॉ करने का ट्राई करना। ठीक है, वहां से ना बहुत चीजें दिखने लगती है। जैसे वन सेकेंड, पेन का कलर चेंज कर दे रहा हूँ। जैसे क्या बोला है, पॉइंट ए पी क्यू बी उस सेम लाइन में है। लेट्स सपोज कि ए मेरा यहाँ पे है, पी मेरा यहाँ पे है, क्यू मेरा यहाँ पे है, बी मेरा यहाँ पे है, और तीनों का बीच का डिस्टेंस यहाँ पे दिया हुआ है। जो पी है वो 100 किलोमीटर अवे है फ्रॉम ए से, क्यू जो है वो 200 किलोमीटर अवे है फ्रॉम ए से, और बी जो है वो 300 किलोमीटर अवे है ए से। सो ए से पी के बीच का डिस्टेंस कितना हो गया, 100। अब ए से क्यू का डिस्टेंस 200 है और ये ए से पी 100 हुआ, सो पी टू क्यू कितना हो जाएगा, 100। सेम वैसे ही क्यू टू बी होगा 100, क्योंकि ए टू बी 300 है, ए टू क्यू 200 हो गया, सो बी टू क्यू 100। ओके, आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब यहां से आगे बढ़ते हैं। अब क्या है, बोल रहा है कि कार वन एंड कार टू लिव्स ए एट सेम टाइम। मतलब यहाँ कार वन ले लेते हैं, कार टू, ये दोनों बी की तरफ मूव कर रहे हैं सेम टाइम पे। साइमल्टेनियसली कार जो थ्री है वो बी को लिव कर रहा है, सो कार थ्री बी से आगे बढ़ रहा है, वो ए की तरफ बढ़ रहा है। ठीक है, कार थ्री मीट कार वन एट क्यू, मतलब यहाँ पे कार वन और कार थ्री का मिलन हो रहा है, और कार टू का पी पे, मतलब यहाँ पे कार टू और कार थ्री यहाँ पे मीट कर रहे हैं। ओके, सो हमको अब बताना है कि स्पीड रेशियो, स्पीड कार टू और कार वन का, मतलब स्पीड ऑफ कार टू बाई स्पीड ऑफ कार वन, ये हमको फाइंड आउट करना है। ओके, अब सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट देखो कि ये लोग साइमल्टेनियसली ही रन कर रहे हैं, लेकिन इस टाइम तो मेरा कॉन्स्टेंट है, टाइम जो है वो तो कॉन्स्टेंट हो गया ना। साइमल्टेनियसली रन कर रहे हैं तीनों कार, वन टू और थ्री। जब टाइम कॉन्स्टेंट हुआ तो डिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड। ओके, सो ये फर्स्ट वाला कंडीशन हम लोग लेते हैं जहां पे कार वन और कार थ्री एक साथ मीट कर रहे हैं। तो डिस्टेंस ट्रेवल बाई कार वन डिवाइडेड बाई डिस्टेंस ट्रेवल बाई कार टू इक्वल टू स्पीड ऑफ कार वन स्पीड ऑफ कार टू। डिस्टेंस ट्रेवल बाई कार वन कितना है, 200। क्यू पे मीट कर रहे हैं ना, यहाँ पे कार वन ए से क्यू तक चल रहा है, तो ये 200 डिवाइडेड बाई कार ये कितना है, थ्री है ना, सॉरी थ्री होगा ये। कार थ्री कितना चल रहा है, 100। सो ये मेरा कार वन और कार थ्री का स्पीड का रेशियो 2:1 आ गया। ओके, आई होप ये क्लियर हो गया। सेम एज इट इज इस सेकंड कंडीशन को लेंगे, कार टू और कार थ्री। तो डिस्टेंस ट्रेवल बाई कार टू, डिस्टेंस ट्रेवल बाई कार थ्री इक्वल टू स्पीड ऑफ कार टू डिवाइडेड बाई स्पीड ऑफ कार थ्री। डिस्टेंस ट्रेवल बाई कार टू कितना है, 100। कार थ्री का कितना हो जाएगा, बी टू पी 200 डिवाइडेड बाई स्पीड ऑफ कार टू स्पीड ऑफ कार थ्री। So, ये हो गया स्पीड ऑफ कार टू डिवाइडेड बाई स्पीड ऑफ कार थ्री का रेशियो 1:2। ओके, अब हमको पूछा है मतलब हमको स्पीड ऑफ कार टू स्पीड ऑफ कार वन निकालना है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट आ गया यहाँ पे, रेशियो को हम लोग, क्या हो गया ये,
सिंपल सा रेशियो को हम लोग इक्वेट करते हैं, यहाँ पे कार थ्री है, यहाँ पे भी कार थ्री है, ओके सो इसको इक्वेट करते हैं। तो यहाँ पे हम टू से अगर मल्टीप्लाई कर दिए दोनों साइड में, सो रेशियो ये हो जाएगा इक्वल 4/2 आ गया। तो यहाँ पे कार थ्री भी 2 हो गया, यहाँ पे कार थ्री भी 2 हो गया। तो स्पीड ऑफ कार 1, स्पीड ऑफ कार 2, स्पीड ऑफ कार 3 कितना हो गया? कार 1 का हो गया 4, कार 2 का हो गया 1, कार 3 का हो गया 2। वी हैव टू फाइंड S2/S1 मतलब 1/4। ऑप्शन है क्या कोई? 2 7 नो 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 सी मतलब 1/4, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो देखा यहाँ पे सिंपल एक फंडा फाइंड आउट करना था कि हाँ क्या कॉन्स्टेंट है। और मैं 2017 का जो सॉल्यूशन बताया उसमें भी मैं स्टार्टिंग में बताया हूँ कि हमेशा आप पीएचडी के क्वेश्चन में ये देखना कि हाँ कॉन्स्टेंट फाइंड आउट कर लिए, और कॉन्स्टेंट फाइंड आउट कर लिए ना तो ये इस टाइप का फॉर्मूला, मतलब जैसे टाइम कॉन्स्टेंट हुआ तो डिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड, अगर डिस्टेंस कॉन्स्टेंट हुआ तो स्पीड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम, ये टाइप का फॉर्मूला यूज करके ना बहुत हैंडी हो जाता है पीएचडी टाइप का क्वेश्चन। ओके आई होप आपको यह कुछ समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये अपना सेकेंड क्वेश्चन है, रीड करते हैं। ऑन अ लॉन्ग स्ट्रेच ऑफ ईस्ट वेस्ट रोड ए बी आर 2 पॉइंट सच दैट बी इज 350 किलोमीटर वेस्ट ऑफ ए, वन कार स्टार्टेड फ्रॉम ए एंड अनदर फ्रॉम बी एट द सेम टाइम, ओके इफ दे मूव टुवर्ड्स ईच अदर देन दे मीट आफ्टर 1 आवर। रिलेटिव स्पीड का क्वेश्चन लग रहा है कि इफ दे बोथ मूव्स टुवर्ड्स ईस्ट देन दे मीट इन 7 आवर। हाँ रिलेटिव स्पीड, डिफरेंस बिटवीन देयर स्पीड इन किलोमीटर पर आवर। सो बेसिकली हमको डिफरेंस ऑफ स्पीड निकालना है दोनों का। एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं सिंपल, क्या बोल रहा है कि ईस्ट और वेस्ट, ठीक है। तो ये मेरा हो गया ईस्ट और ये मेरा हो गया वेस्ट। ए बी आर 2 पॉइंट सच दैट बी जो है वो 350 किलोमीटर वेस्ट है ए का, ये मेरा यहाँ हो जाएगा और बी हो गया यहाँ, और दोनों का बीच का डिस्टेंस हो गया 350 किलोमीटर। आई होप क्लियर है ये। कार 1 जो है, वन कार लेट्स सपोज कि कार 1 जो है ए से स्टार्ट कर रहा है और कहाँ के लिए, बी के लिए, एट द सेम टाइम अनदर कार कार 2। तो 1 सेकेंड ये हो जाएगा मेरा कार 1 में, 1 सेकेंड यहाँ पे बी है, हाँ 1 कार स्टार्ट फ्रॉम ओके ए एंड अनदर फ्रॉम बी 2, ये होगा 2 कार 2। इफ दे मूव टुवर्ड ईच अदर देन दे मीट 1 आवर। सिंपल, अगर रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट आपको पता है, ये दोनों मतलब ईच अदर की तरफ मूव कर रहे हैं, तो रिलेटिव स्पीड क्या होता है, और 1 आवर मतलब जो टाइम होगा इक्वल टू डिस्टेंस, दोनों एक साथ में मूव कर रहे हैं मतलब स्पीड तो ऐड होगा, दोनों एक एक तरफ मूव कर रहे हैं मतलब स्पीड ऐड होगा। तो C1 + C2, ओके तो C1 + C2 = 350, एक इक्वेशन आ गया। अब सेकंड कंडीशन क्या है कि ये दोनों, सेकंड कंडीशन क्या बोल रहा है, इफ दे बोथ मूव टुवर्ड्स ईस्ट मतलब ये दोनों अब इधर ईस्ट की तरफ ही मूव कर रहे हैं, ओके देन वो लोग 7 घंटे के बाद मीट कर रहे हैं। सिंपल 7 / 350। अब देखो यहाँ पे समझने का एक जरूरत ये है कि यहाँ पे C1 - C2 लिखे या C2 - C1। अब देखो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ना, सिंपल सा पॉइंट है कि अगर ये मीट कर रहे हैं 7 आवर में, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है और सिंपल सा फंडा है कि जो कार 2 का स्पीड है वो मोर है, तभी तो ये मीट कर रहे हैं ना, तभी तो ये लोग मीट कर रहे हैं। अगर कार 1 का स्पीड ग्रेटर होगा कार 2 के स्पीड, ये लोग कभी मीट ही नहीं करेंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट है, ओके आई होप ये क्लियर होगा। तो यहाँ पे C2 - C1 होगा, तो C2 - C1 ये हो गया 50, C2 - C1 = 50। अच्छा ये देखो C2 - C1 मतलब कार 1 का स्पीड का डिफरेंस और कार 2 और कार 1 का स्पीड का डिफरेंस 50 आ गया, और वही तो हमको फाइंड आउट करना है द डिफरेंस बिटवीन देयर स्पीड। ये मेरा 50 आंसर हो गया, सॉल्व भी नहीं करना पड़ा, ये कुछ काम का नहीं है ये। ओके ये चीजें ध्यान देना कि हाँ हमको एक्चुअली फाइंड आउट क्या करना है, बस एक लाइन का क्वेश्चन है। ये आंसर हो गया अपना 50 किलोमीटर पर आवर। ओके आई होप आपको क्लियर होगा ये रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट लगा यहाँ पे।
तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यस, ये थर्ड क्वेश्चन है, रीड करते हैं। पॉइंट ए बी आर 150 किलोमीटर अपार्ट, ओके। कार वन एंड टू ट्रेवल फ्रॉम ए टू बी, बट कार टू स्टार्ट फ्रॉम ए व्हेन कार वन इज ऑलरेडी 220 किलोमीटर अवे फ्रॉम ए, ओके। इच कार ट्रेवल एट स्पीड ऑफ 100 किलोमीटर फॉर 50 किलोमीटर एंड 50 किलोमीटर पर आवर फॉर नेक्स्ट 50 किलोमीटर। अच्छा, यह 100 किलोमीटर पर आवर है, 50 50, ओके, 25 किलोमीटर पर आवर पर 50, ओके। सो 150 का 3 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ दिख रहा है, 50 50 50। कुल द डिस्टेंस इन किलोमीटर बिटवीन कार टू एंड बी व्हेन कार ए रीच बी, मतलब कार ए बी को रीच कर रहा है, ओके। सिंपल एक लाइन डायग्राम ड्रॉ करते हैं, 3 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट भी कर देते हैं इसको, और तीनों का बीच का डिस्टेंस कितना हो गया, 50 50 50। ये लेट सपोज पॉइंट ए है, ये मेरा पॉइंट बी है, कार वन ऑलरेडी 20 किलोमीटर अवे है, मतलब लेट सपोज कि कार वन मेरा यहाँ पे है, ये हो गया मेरा 20 किलोमीटर, ये हो गया 30, और कार टू मेरा यहाँ पे है, ओके। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा, बेसिक है, जो क्वेश्चन बोला है उसी को एक लाइन डायग्राम में ड्रॉ कर दिया। अब देखो, अब समझने का जरूरत ये है कि हमको फाइंड आउट क्या करना है, कि जब कार वन जो है वो बी पे रीच कर रहा है तो कार वन कितना मीटर अवे है कार टू से, मतलब कार बी, अगर लेट सपोज कार टू यहाँ पे है, सो इन दोनों का बीच का हमको डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, ये जो डिस्टेंस है वो क्या है, ओके। सिंपल सा ये है, मतलब क्या फाइंड आउट करना है, सिंपल है, चलो सॉल्व करते हैं इसको। तो देखो, इसका हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे अगर हम ये फाइंड आउट कर ले कि कार वन कितने टाइम में बी पे रीच कर रहा है, उतने ही टाइम कार टू भी रन करेगा ना, मतलब अगर लेट सपोज ही कार वन यहाँ से टी आवर उसको लग रहे हैं बी पे रीच करने के लिए, कार टू भी तो टी आवर ही चलेगा, चाहे वो कहीं भी पहुंचे, मतलब यहाँ पहुंचे यहाँ पहुंचे यहाँ पहुंचे, लेकिन वो तो टी आवर ही रन करेगा ना। चलो टाइम फाइंड आउट करते हैं कार वन का। तो देखो, कार वन यहाँ से यहाँ 30 किलोमीटर है, और जिसका स्पीड 100 किलोमीटर पर आवर है, 30 डिवाइडेड बाई 100 प्लस 50 किलोमीटर, नेक्स्ट 50 किलोमीटर जो है वो 50 किलोमीटर पर आवर से, 50 डिवाइडेड बाई 50 प्लस जो नेक्स्ट 50 है वो 25 किलोमीटर पर आवर से, ये हो गया वन, ये हो गया टू, और ये हो गया 3 बाई 10, इसको मिनट में कर लेते हैं तो ये होगा 6 18, तो 2 3 3 आवर 18 मिनट। क्लियर है, इतना टाइम में जो कार वन है वो पॉइंट बी पे रीच कर रहा है, ओके। 3 आवर 18 मिनट ही कार टू रन करेगा। अब देखते हैं कि 3 आवर 18 मिनट में कार टू कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर पाता है, ओके। तो कार टू जो है वो ये 50 किलोमीटर जो है वो 100 के स्पीड से चल रहा है ये भी, तो ये हो गया मेरा हाफ आवर, प्लस नेक्स्ट 50 कितना हो गया, प्लस 50 बाई 51 आवर, तो ये मेरा हो गया 1 1/2 आवर, तो रिमेनिंग कितना बच गया, वन आवर, यस 1 आवर 48 मिनट, ओके। 48 बाई 60 हो गया मेरा 4 5, 5 4 9 बाई 5, तो 9 बाई 5 आवर में कितना डिस्टेंस वो ट्रेवल करेगा एट द स्पीड ऑफ 25 किलोमीटर पर आवर, 25 से मल्टीप्लाई कर दिए, सो ये हो गया 5 9 5 45 किलोमीटर, ओके। मतलब ये जो है लास्ट लेग में वो 9 बाई 5 आवर में 45 किलोमीटर ड्रॉ कर रहा है, मतलब 45 रन कर रहा है, सो जो गैप हो रहा है बी और सी टू के बीच में वो 5 किलोमीटर, ओके। और यही तो हमको फाइंड आउट करना है कि कार टू जो है वो बी से कितना पीछे रह रहा है, बिहाइंड, तो मेरा आंसर हो गया 5 किलोमीटर। सिंपल सा है, यहाँ पे बस समझना था क्वेश्चन में कि अगर हम सी वन का टाइम निकाले उतना ही टाइम मेरा सी टू रन करेगा, और उतने टाइम में सी टू कितना किलोमीटर रन किया एट द स्पीड, डिफरेंट स्पीड, मतलब 100,
50 और 25, वो एक डिफरेंट डिफरेंट स्पीड पे हमको निकाल लेना था। बस इतना ही कॉन्सेप्ट था समझने का इस क्वेश्चन में। आई होप आपको ये अब समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फोर्थ क्वेश्चन रीड करते हैं। ट्रेन टी लिव्स स्टेशन एक्स और स्टेशन वाई एट 3 PM। ट्रेन इज ट्रेवलिंग एट 3/4 ऑफ स्पीड ऑफ टी। 3/4 समझ में आ रहा है ना कि हम ये टी का स्पीड 4 टाइम्स कुछ लेंगे, सो डेट की इसका स्पीड 3 टाइम्स कुछ आएगा। ओके फ्रैक्शन में डील करना ना पड़े। लिप्स वाई फॉर एक्स एट 4 PM, ये 3 ये 4। द टू ट्रेन पासिस इच अदर एट स्टेशन जेड, वर द डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड जेड इज इट 3/5 ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड वाई। तो हाउ मेनी आवर डज ट्रेन टी टेक फ्रॉम इट्स जर्नी एक्स और वाई। तो टी कितना टाइम ले रहा है, एक्स टू वाई। सिंपल एक लाइन डायग्राम फिर से ड्रॉ करते हैं। लेट सपोज ये मेरा एक्स हो गया, ये मेरा वाई हो गया। टी कहाँ से निकल रहा है, एक्स से वाई के लिए, मतलब ये इधर करेगा 3 PM पे निकल रहा है। ट्रेन इस जो है वो वाई से इधर टी की तरफ जा रहा है, और इस ये और स्टार्टिंग टाइम से कितना है 4 PM। एंड द स्पीड, अब देखो यहाँ पे एक पॉइंट समझने की नीड है, डिस्टेंस भी मेरा अननोन है और स्पीड भी मेरा अननोन है। यहाँ सिंपल सा एक फंडा, जैसे जब भी कभी ना दो टाइप अननोन रहे ना, एक का वैल्यू ले लो और एक के वेरिएबल में रिप्रेजेंट कर दो, सो डेट की जो वेरिएबल भी होगा ना वो वैल्यू के इसमें ही मतलब सिंपल वो उसी के टर्म में रिप्रेजेंट होके आ जाता है। मतलब जो भी कटना पिटना रहे वो कट के उसी टर्म में आ जाता है। यहाँ सिंपल हम लोग स्पीड को वैल्यू के टर्म में रखते हैं और डिस्टेंस को वेरिएबल के टर्म में। सो मेरा स्पीड ऑफ, लेट सपोज की टी का स्पीड हमने कितना अज्यूम कर लिया 4, स्पीड ऑफ एस कितना हो जाएगा 3/4, मतलब 3। अब जो डिस्टेंस है एक्स और जेड के बीच का, लेट सपोज की जेड यहाँ पे है, जो एक्स और जेड के बीच का डिस्टेंस है वो 3/5 है एक्स और वाई के। तो लेट सपोज कि एक्स और वाई का डिस्टेंस जो है वो 5D है, और द डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड जेड इज हाउ मच 3D। सो जेड और वाई के बीच का डिस्टेंस 2y हो गया। ओके नाउ कंडीशन क्या है कि द टू ट्रेन पासेस इच अदर जेड वेयर टू ट्रेन हाउ मेनी। ओके अब समझना है यहाँ पे एक पॉइंट को, जैसे ये 4 PM पे निकल रहा है या 3 PM पे निकल रहा है। अगर लेट सपोज कि हम इसका टाइम का इक्वल कर दे, तो हम यहाँ पे टाइम कॉन्स्टेंट का फॉर्मूला लगा सकते हैं। मतलब अगर हम टी को 4 PM पे ला दे, तो यहाँ पे हम टाइम कॉन्स्टेंट का फॉर्मूला लगा सकते हैं। यहाँ डिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड। ओके सो करते हैं। तो ये जो मेरा ट्रेन टी है वो 1 घंटे में कितना चलेगा, 4 किलोमीटर। तो लेट सपोज कि ये इतना 4 किलोमीटर हो गया, या रिमेनिंग डिस्टेंस कितना बचा, ये रिमेनिंग डिस्टेंस मेरा 3D-4 बचा ना। अब यहाँ पे ट्रेन टी यहाँ पे है और यहाँ पे टाइम हो गया है 4 PM, ठीक है। ये 4 PM हो गया और यहाँ भी 4 PM। तो यहाँ से दोनों जो पॉइंट मीट करेंगे यहाँ पे, ये तो टाइम कांस्टेंट है, तो टाइम कांस्टेंट में डिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड। तो डिस्टेंस कवर बाय ट्रेन टी, डिस्टेंस कवर बाय ट्रेन स्पेस इक्वल टू स्पीड ऑफ ट्रेन डिवाइड बाई स्पीड ऑफ एस। तो डिस्टेंस टी ने कितना कवर किया है, 3D-4, जेड जेड तक मीट करने में 3D-4 ही कवर किया ना, और एस कितना कवर किया 2D। और स्पीड ऑफ टी और स्पीड ऑफ एस भी ऑलरेडी नो कितना है, स्पीड ऑफ टी कितना हमने एज्यूम किया 4 और स्पीड ऑफ एस 3। सॉल्व करते हैं। सो 9D-12 इक्वल टू 8B। तो ये मेरा हो जाएगा, ये हो गया डी और ये 12 आ जाएगा इधर, तो डी इक्वल टू 12। वी गॉट टू नो दैट कि डी का वैल्यू 12 है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 24 और ये हो जाएगा 36। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 60। वी नो टोटल डिस्टेंस 60 एंड वी हैव टू फाइंड हाउ मेनी आवर ट्रेन टी टेक। 60 डिवाइडेड बाई ट्रेन टी का स्पीड कितना हो गया 4 इक्वल टू 15 आवर। ओके सो देखा, अगर हमने जो ये वैल्यू लिया उसी का टर्म में वो रिप्रेजेंट होकर वैल्यू आ गई, तो कभी भी जब भी दो टाइप के वेरिएबल रहे ना, वहां पे एक का वैल्यू ले लेना और एक का वेरिएबल पे ड्रॉ करना, वहां से कैलकुलेशन और सॉल्यूशन इजी हो जाता है। ओके थैंक
आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर सॉल्यूशन पसंद आ रहा है, वे ऑफ समझाने का अच्छा लग रहा है, प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर विथ योर फ्रेंड। सॉल्व करते हैं लास्ट क्वेश्चन आज का, लास्ट ही है ना? नो, सेकेंड लास्ट। चलिए रीड करते हैं। पॉइंट पी लाइज बिटवीन ए एंड बी सच दैट द लेंथ ऑफ बी पी इज थ्राइस ऑफ एफ बी। कार ए स्टार्ट फ्रॉम ए एंड मूव मूव टुवर्ड बी, ओके, साइमल्टेनियसली। कार टू स्टार्ट फ्रॉम बी एंड मूव टुवर्ड्स ए, ओके। कार टू रीच पी 1 आवर आफ्टर कार वन रीच इज पी, ओके। इफ द स्पीड ऑफ कार टू इज हाफ दैट ऑफ स्पीड ऑफ कार वन, देन द टाइम इन मिनट टेकन बाई कार वन टू रीच पी फ्रॉम ए, ओके। सिंपल, हमको स्पीड चाहिए। लाइन डायग्राम ड्रॉ करते हैं इसका। ये मेरा हो गया ए, ये हो गया मेरा बी, और पी जो है कहीं यहाँ पे, लेट्स सपोज यहाँ पे कंडीशन दिया है कि जो बीपी है वो थ्राइस है एपी का। तो लेट्स सपोज कि एपी मैंने कितना ले लिया, 1 ले लूं या 2? 2 ले लेता हूँ, 2 या 1 लेता हूँ, सॉरी 1 ले लेता हूँ। वन, एंड वी हैव स्पीड का भी उनको कुछ रिलेशन दिया हुआ है, ओके। सो यहाँ पे स्पीड या फिर डिस्टेंस कुछ कुछ भी एक वैल्यू में ले सकते हैं। सो हम लोग डिस्टेंस वैल्यू में ले लेंगे। यहाँ लिस्ट सब कुछ भी, ये एपी का डिस्टेंस हो गया 1 और बीपी का डिस्टेंस हो गया 3। बीपी इज थ्राइस दैट ऑफ ए, टोटल डिस्टेंस हो गया 4 किलोमीटर ले लेते हैं, ओके। अब कार वन जो है वो ए से स्टार्ट होकर बी की तरफ जा रहा है, एंड कार टू जो है वो बी से ए की तरफ जा रहा है, ओके। कार टू रिचेज पी 1 आवर आफ्टर कार वन रिचेज पी, एंड द स्पीड ऑफ कार टू इज हाफ दैट ऑफ स्पीड ऑफ कार वन। सो लेट्स सपोज कि जो कार टू का स्पीड है वो 2x है। कार टू का स्पीड कितना हो गया, एक्स होगा, कार टू हाफ है, ओके। यहाँ एक मैंने वेरिएबल में लिया, एक का वैल्यू एज्यूम कर लिया। आई होप समझ में आ गया होगा आपको। अगर नहीं पता है तो ये पॉइंट आप हमेशा ध्यान में रखना कि हम ऐसा भी कर सकते हैं, सो दैट कि आपको बहुत वेरिएबल में क्वेश्चन को सॉल्व करना ना पड़े। चलो सॉल्व करते हैं। यहाँ पे एक मेरा कंडीशन है कि जो कार टू है वो पी रीच कर रहा है 1 आवर आफ्टर कार वन रीचेज पी। कार वन पी रीच करने में कितना टाइम लग रहा है, 1/2x। कार टू को पी रीच करने में कितना टाइम लग रहा है, 3/x। यहाँ पे कार टू का जो टाइम है, कार टू रीचेज पी 1 आवर आफ्टर कार वन रीचेज पी, मतलब कार टू जो है वो 1 घंटा ज्यादा ले रहा है कार वन से। यहाँ 1+ हो गया, ओके। वेरी सिंपल, इसके एक्स के लिए सॉल्व कर लेना है, कितना होगा 2x+1/2x = 3/x। x मेरा कैंसिल हो गया, 2x+1 = 3/6, तो x इक्वल टू हो गया 5/2। 5/2 मतलब इसका स्पीड कितना हो गया 5, और ये हो गया 5/2। अब हमको क्या फाइंड आउट करना है कि कार वन जो है वो पी पहुंचने में ए से कितना टाइम लग रहा है, तो 1, और ये मिनट में हमको निकालना है, मतलब 1/5, 1 किलोमीटर, स्पीड 5, मिनट मिनट में निकालना है, सो इनटू 60 दैट इज 12। सो कार वन को ए से पी पहुंचने में 12 मिनट, मतलब 12 मिनट लग रहा है पी पहुंचने पे, ओके। बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है ये सब, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, पीएचडी का सब स्टैंडर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन है ये सब। आपको मतलब 1 मिनट 1 मिनट से कम में सॉल्व करने आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा है कोई बात नहीं, लर्न करो, सीखो, सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं आज का। ये अपना लास्ट क्वेश्चन है। द डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी 60 किलोमीटर, ठीक है। तो ये मेरा ए हो गया, ये मेरा बी हो गया, और ये 60 किलोमीटर है, ठीक है। पार्था एंड नारायण स्टार्टेड फ्रॉम ए एट द सेम टाइम एंड मूव टुवर्ड्स बी।
मतलब पार्था भी ए से चल रहा है, नारायणा भी ए से चल रहा है और ये बी की तरफ मूव कर रहे हैं। पार्था टेक 4 आवर मोर देन नारायणा टू रीच बी। मोर ओवर पार्था रीच द मिड पॉइंट ऑफ ए एंड बी 2 आवर बिफोर नारायणा रीच बी। मतलब दो कंडीशन और दो वेरिएबल, सिंपल दो वेरिएबल है मेरा और दो कंडीशन है। सिंपल एक इक्वेशन आएगा, सॉल्व करना है और आगे बढ़ना है। ठीक है, चलो अब इक्वेशन फॉर्म करके हम लोग देखते हैं। पहला क्या है? कंडीशन है कि जो पार्था का टाइम है वो 4 घंटा ज्यादा है नारायणा के टाइम से टू रीच बी। सो पार्था कितना टाइम ले रहा है? तो लेट सपोज कि स्पीड ऑफ पार्था हमने पी एज्यूम कर लिया नारायणा का एन, तो पार्था का टाइम 60/n लगा, नारायणा का टाइम 60/n, बट पार्था टेक 4 आवर मोर। पार्था का जो टाइम है वो 4 आवर मोर है नारायणा के टाइम से। नोट इट, ये एक मेरा इक्वेशन आ गया। सेकेंड इक्वेशन क्या है कि जब पार्था रीच कर रहा है मिड पॉइंट, मतलब मिड पॉइंट मतलब लेट सपोज यहाँ ये 30 किलोमीटर हुआ है, ये 30 किलोमीटर हो गया, मिड पॉइंट तो यही हुआ ना 30 किलोमीटर। पार्था का जो टाइम होगा मिड पॉइंट पे रीच करने का वो 2 आवर बिफोर है नारायणा रीच बी। मतलब नारायणा जब यहाँ बी पे रीच कर रहा है और पार्था जब यहाँ पे रीच कर रहा है उसका 2 घंटा कम है। पार्था का टाइम जो है वो 30 किलोमीटर में 30/p हो गया और नारायणा का टाइम 60 किलोमीटर में 60/n हो गया। और ये जो टाइम है वो नारायणा के टाइम से 2 घंटा कम है। ओके, सो यहाँ पे 30/p इक्वल टू 60/n-2। यहाँ पे एक इक्वेशन आ गया, अब इसको सॉल्व करते हैं। कुछ कैंसिल आउट हो रहा है तो यहाँ पे एक कैंसिल आउट हो जाएगा। 15 15 1 मतलब 15/n इक्वल टू 15, सॉरी पी होगा ना, जो जो मैंने ये 15/p इक्वल टू 15/n +1 यहाँ पे कंसीम कुछ हाँ हो रहा है। ये हो गया मेरा 15, ये हो गया मेरा 30, ये हो गया मेरा 1। यहाँ पे 15/p इक्वल टू 30/n-2, 15/p इक्वल टू, ओके 15/p। अच्छा ये देखो, ये LHS LHS सेम, तो राइट हैंड साइड इक्वल। यहाँ पे 30/n-2 इक्वल टू 15/n+1 सॉल्व करते हैं। 30-2n/n होगा तो कैंसिल आउट हो जाएगा, 15+n, बोथ साइड n n होगा ना यहाँ पे, तो ये कैंसिल कैंसिल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया मेरा, अगर ये हो गया 2n, ये हो गया +3n, 3n इक्वल टू 15, सो n इक्वल टू 5, n इक्वल टू 5 हो गया। अब हमको क्या निकालना है? पार्था का स्पीड, सो 15/p। अब n का वैल्यू किसी में पुट कर लेते हैं, यहाँ पुट कर लेते हैं, तो यहाँ अगर 5p है सो ये 6 6-2 3, सो 3 5 15, सो पार्था का स्पीड हो गया 5। तो हम लोग पी का भी स्पीड 5 है और एन का भी स्पीड 5 है, मतलब दोनों का स्पीड 5 5 है। मतलब कौन सा आंसर हो गया? ऑप्शन ए। बहुत आसान क्वेश्चन था, दो इक्वेशन फॉर्म करना था और उसको सॉल्व करना था, उसके लिए दो कंडीशन भी दिए हुए थे। बहुत इजी क्वेश्चन था, स्ट्रेट फॉरवर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन था। तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस। अगर आपको अच्छा लगा देन हम्बल रिक्वेस्ट टू यू दैट प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल, इट गिव्स अ मोटिवेशन फॉर मी एक्चुअली। प्लीज डू सब्सक्राइब एंड काइंडली शेयर विथ योर फ्रेंड। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 2019 के सॉल्यूशन के साथ। हाँ, और एक पॉइंट, अगर आपको रेस का ट्रिक नहीं पता है टू फाइंड द ट्रैक लेंथ, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वो वीडियो चेकआउट कर सकते हो। ओके, तो बाय बाय गाइज, टेक केयर एंड हैप्पी लर्निंग।